वीकेंड आने वाला है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक अमेजिंग ब्रेकफास्ट लेकर आऊँ जो कि हेल्दीएस्ट, इजीएस्ट, टेस्टीएस्ट, फाइबरस और फैट फ्री है। और ये है रॉ बनाना कटलेट्स। कच्चे केले लेकर उसको उबाल लीजिए। जब ठंडे हो जाएं तो उसका छिलका उतार दीजिए और उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। कच्चे केले के इतने गुण हैं कि मैं आपको यहाँ गिना नहीं सकती। इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पढ़ना पड़ेगा। ये हार्ट को हेल्दी रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में बहुत ही फायदेमंद है और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर। अब इसमें 2 ग्रेटेड गाजर डालिए, 1/2 कप ओट्स, 1/2 कप क्रश की हुई या ग्राइंड की हुई मूंगफली और हरी मिर्च और धनिया पत्ती। गाजर आँखों को बहुत हेल्दी रखता है और कैटरेक्ट के चांसेस को कम करता है। ओट्स तो सभी जानते हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारा फाइबर है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और स्टमक फिलिंग है, वेट लॉस में भी बहुत ही कारगर है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कटलेट्स बना लें। कटलेट्स किसी भी शेप में बना सकते हैं। हमने सूजी ली है, हम कटलेट्स को फ्राई करने से पहले सूजी में रोल करेंगे। एक पैन लीजिए, उसको खूब अच्छे से गर्म करिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, फिर कटलेट्स को सूजी में रोल करके उसको तेल में फ्राई कर लीजिए। तेल जितना कम हो सके उतना कम डालें। कम तेल में भी कटलेट्स बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। मैंने कटलेट्स में पीनट्स का यूज़ किया है। पीनट्स प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, इसमें विटामिन ई है, ये वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये हमको हार्ट डिजीज़ के रिस्क से बचाता है। इसमें बहुत सारा डाइट्री फाइबर है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मेमोरी को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है और ये हमारे गॉल बैडर स्टोन से हमको बचाता है। लीजिए, कटलेट्स दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक गए हैं और सर्व करने के लिए तैयार हैं। कटलेट्स बनाने तो हैं पर हेल्थ से कोई समझौता नहीं करना। कटलेट्स बनाने का मतलब ये नहीं है बहुत सारा आलू उबाल लिया और उसमें कुछ भी मिला दिया और उसको फ्राई कर लिया। कुछ भी बनाने से पहले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़रूर देख लेनी चाहिए। रॉ बनाना कटलेट्स न्यूट्रिशन से भरा हुआ है और फैट फ्री भी है। तो चलिए इस संडे कटलेट्स बनाइए धनिया की चटनी या सॉस के साथ। खाइए और खिलाइए, फिर मिलते हैं।